तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज में चल रही है, ऐसे में चलते हमारे लिए लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी चल रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है रिप्पल क्वाइन को लेकर के। सो फाइनली आज मैंने पूरी रिसर्च किया, स्टडी किया और एनालिसिस किया और अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपको मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देके जा सकता है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्वाइन मार्केट कैप वेबसाइट विजिट करिए और चेकआउट करिए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कि आखिर रैंक क्या है। तो अगर हम रिप्पल प्रोजेक्ट की बात करें तो रैंक नंबर 6 पर यह बिलोंग कर रहा है। इट मींस दैट कि टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 में यह प्रोजेक्ट आ रहा है। पूरी दुनिया में जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनकी नजर कहीं ना कहीं रहती है और वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट फेमस रहता है। अब हम यहां पर बात करेंगे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो होता है हमारा एक्सचेंज। आप जिस भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं चेकआउट करिए कि आखिर कौन कौन से एक्सचेंजों पर लिस्टेड है। तो अगर हम रिप्पल प्रोजेक्ट की बात करें तो पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज हैं, चाहे वो क्वाइन बेस हो, चाहे वो बाइनेंस एक्सचेंज हो, चाहे वो रॉबिन हुड हो या फिर इंडिया का कोई भी एक्सचेंज हो, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं लगभग आपको हर एक एक्सचेंज पर रिप्पल क्वाइन मिल जाएगा। अब हम यहां पर बात करेंगे तीसरे नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि क्या मैंने कभी रिप्पल क्वाइन में ट्रेड करवाया है या फिर नहीं। अगर आप सभी लोगों को याद हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2018 हो, 2019, 20, 21, मैंने हमेशा रिप्पल क्वाइन में ट्रेडिंग करवाई है, वीडियो बनाया है, रिकमेंडेशन दिया है और हर बार लगभग रिप्पल क्वाइन ने अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो रिप्पल क्वाइन जब सिर्फ और सिर्फ 5-6 रुपए का होता था, तब से लेकर के मैं आज तक रिप्पल क्वाइन को रिकमेंड करता आ रहा हूं। 2021 की बात है, जब आप सभी लोगों को याद हो कि लॉसूट फाइल हुआ था अमेरिका से SEC के द्वारा, तब रिप्पल क्वाइन को कोई पूछता नहीं था, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी थी। तब मैंने 2 वीडियो बनाया था और वहां से रिप्पल क्वाइन ने 8x का रिटर्न भी दिया था। अब हम यहां पर बात करेंगे रिप्पल प्रोजेक्ट, नो डाउट अबाउट इट कि पूरी वर्ल्ड वाइड ये प्रोजेक्ट फेमस है। फंडामेंटल्स वाइज की बात करें तो फंडामेंटली बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। मिलियंस में इनके कंपनी के फॉलोअर्स हैं, प्रोजेक्ट के फॉलोअर्स हैं, मिलियन से ज्यादा इनके होल्डर्स भी हैं। पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी होल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, सभी लोगों ने रिप्पल क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी किया है। अगर हम टीम की बात करें रिप्पल क्रिप्टो करेंसी की, तो टीम भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती है। उसके बाद में हम बात करेंगे रिप्पल प्रोजेक्ट की जो पार्टनरशिप होती है, वो वर्ल्ड वाइड फेमस जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में इनकी पार्टनरशिप भी हो चुकी है। और रिप्पल क्रिप्टो करेंसी जो है एक बहुत बड़ा स्लीपिंग जायंट है और ये क्वाइन जो है बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान करता है, खासकर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। जब से अमेरिका कंट्री से SEC ने लॉसूट फाइल किया है, तब से रिप्पल प्रोजेक्ट के साथ में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कि आखिर रिप्पल क्रिप्टो करेंसी जिस तरीके से पूरी मार्केट के क्रिप्टो करेंसी पंप हो रही है, प्रॉफिट दे रही है, उस प्रकार से रिप्पल क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट नहीं दे रहा है। खासकर जितने भी इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, वो लोग तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे क्रिप्टो करेंसी रिप्पल में, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि लॉसूट फाइल हुआ है, जिसकी वजह से अभी केस चल रहा है, न्यूज आती जाती रहती है। जो भी कोई भी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आएगी इससे रिलेटेड, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो मेक श्योर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम यहां पर बात करेंगे, आप सभी लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होते हैं कि आखिर इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रिप्पल में,
तो कितना करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिपल प्रोजेक्ट में ही ट्रेडिंग करें। आपका काम है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना, तो मार्केट में और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है, उसमें इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग किया जा सकता है। लेकिन अभी रिपल क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग नहीं करने लायक है, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपका फिर भी मन है, रिस्क लेने के शौकीन है, तो आप स्टॉप लॉस के साथ में एक एंट्री ले सकते हैं रिपल क्रिप्टो करेंसी में। उसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर रिपल क्रिप्टो करेंसी की करंट प्राइस की, तो 0.75 सेंट के आसपास चल रहा है प्राइस, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। बहुत अच्छा डिप मिल रहा है, क्योंकि लॉसूट फाइल हुआ है, जिसकी वजह से इतना डिप में रिपल क्रिप्टो करेंसी मिल रहा है। नहीं तो यह बहुत आराम से $1-$2 तक जाने के चांसेस है। अगर आप मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रिपल क्रिप्टोकरेंसी में, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए $0.5 से लेकर के $0.75 के बीच में। आप डीसीए स्ट्रेटजी का यूज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम यहां पर प्रॉफिट रेशियो की बात करें मीडियम टर्म में, 2-3 महीने 4 महीने में, तो आपको 50% से लेकर के 100% तक प्रॉफिट भी दे सकता है। अगर हम यहां पर बात करें, सब कुछ अगर ठीक हो जाता है रिपल क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट के लिए, तो यहां पर 2022 में आपको 2x से लेकर के 3x का रिटर्न भी देखा जा सकता है। अगर आप इसमें मीडियम टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। और बहुत सारे लोग पूछा करते हैं कि हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन क्रिप्टो करेंसी रिपल प्रोजेक्ट। तो अगर आप रिपल प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करिए, डीसीए स्ट्रेटजी का यूज करिए, और सेल पार्ट्स में करना है, तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के जो चांसेस होंगे वो तभी मिलने वाले हैं। अगर हम यहां पर बात करें, बहुत सारे लोगों ने रिपल क्रिप्टो करेंसी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है। अगर आपके पास कोई ऐसा पैसा है जो 5-10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तभी आप रिपल क्रिप्टो करेंसी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया रिपल क्रिप्टो करेंसी स्लीपिंग जायंट है, बहुत दिनों तक ये कॉइन सोता रहता है, बहुत ही ज्यादा ये कॉइन परेशान करता है। तो इसलिए इस क्रिप्टो करेंसी में आपका वही पैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि जो पैसा 3-5-8 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, तभी आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिएगा। और जो मेरा प्राइस प्रिडिक्शन है रिपल क्रिप्टो करेंसी के लिए, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो रिपल क्रिप्टो करेंसी के जो कैपेसिटी है वो $5 है। $5 में 4-5 साल से बता रहा हूं, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है, $3 तक भी प्राइस गया था 2021 में, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, अमेरिका से SEC के द्वारा लॉसूट फाइल कर दिया गया, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट फिर से डंप हो गया, लोगों का भरोसा टूट गया। लेकिन अगेन मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है, ये प्रोजेक्ट आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट देके जाएगा। तो अगर आप रिस्क टेकर हैं, रिस्क लेने के शौकीन हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। मेरा मिनिमम प्राइस प्रिडिक्शन इसका $5 है, आने वाले टाइम में 2025-2030 में जरूर $5 को टच करेगा। आप लोग क्या सोचते हैं कि $5 कभी ये अपनी लाइफ में रिपल क्रिप्टो करेंसी टच करेगी या नहीं, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिपल प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव न्यूज या फिर निगेटिव न्यूज आएगी, या फिर एंट्री या एग्जिट का टाइम आएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स आ चुके हैं, आप सभी लोग बच करके रहिएगा। जितने भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और रिपल क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।